नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ की टिप्पणी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा कयामत तक पूरा नहीं होगा कश्मीर पाने का सपना। गृहमंत्री ने घाटी में अशांति के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। काबुल आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंक के विरोध में अफगानिस्तान के साथ भारत। आईएस के हमले में 80 की मौत। उपराष्ट्रपति का तार्किक और वैज्ञानिक समाज बनाने पर जोर, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए तकनीकी क्षमता में सुधार को बताया जरूरी, कहा विज्ञान के पास सभी चुनौतियों का जवाब। असम में बाढ़ से भारी तबाही, दो की मौत, पानी से घिरे 5 लाख लोग, राहत और बचाव में जुटी सेना। अरुणाचल में भी बिगड़े हालात। और एटिंगा टेस्ट में जीत के लिए भारत को 9 विकेट की दरकार, वेस्टइंडीज को 243 रन पर ढेर कर दिया फॉलो ऑन, पहली पारी में 323 रन की बढ़त। और खबरें विस्तार से। भारत ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से दिए जा रहे बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हथियाने का पाकिस्तान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियार और आतंकवाद के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान खतरनाक आतंकवादियों और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को दी जा रही मदद बंद करे। सीमा पार से आतंकवादियों को गौरवान्वित करने और भारत के एक अखंड भाग में हिंसा फैलाने के इन निंदनीय प्रयासों से भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन प्रयासों को पाकिस्तान एक नामी आतंकवादी हाफिज सईद और यूएन द्वारा प्रतिबंधित अनेक आतंकवादियों के साथ मिलकर खुद अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान का एक खतरनाक दिवास्वप्न है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को यह बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का यह दिवास्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। और वहीं जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने राज्यपाल एनएन बोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इस बीच जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि भीड़ पर पैलेट गन का इस्तेमाल तुरंत बंद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जारी तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्रालय और अर्धसैनिक बल के अधिकारी भी वहां गए हैं। उन्होंने नेहरू गेस्ट हाउस में घाटी में शांति बहाली के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक समाज के सदस्य समेत कई स्थानीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा हालात की समीक्षा की और राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ बातचीत की। सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से ये बार बार स्पष्ट किया गया है कि इस केंद्र की ओर से पूरी तरह से सहयोग एवं सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी प्रदेश सरकार को, और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके पूरी क्षमता के साथ परिस्थितियों के साथ निपटने का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। वहीं हालात में सुधार को देखते हुए कश्मीर के 4 जिलों और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर घाटी के बाकी हिस्सों में कर्फ्यू जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में हिंसा के शिकार लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सरकार का कहना है कि हालात सामान्य बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। पहले दिन के बाद जिस तरीके से कंट्रोल किया और इतनी जल्दी बिल्कुल वायलेंस काफ़ी डाउन गया है, तो उसका कारण यही है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको शांति बहाली के लिए काफ़ी प्रयास भी किए हैं, उसमें कामयाबी भी की है।
जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई को हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें 45 लोगों की मौत हो गई और करीब 3,500 लोग घायल हो गए। इसके बाद पिछले दो हफ्तों से कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वायुसेना के लापता हुए विमान AN-32 का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। विमान को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर तलाशी अभियान की निगरानी करने के लिए चेन्नई पहुंचे। शुक्रवार को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहे विमान उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही रडार से लापता हो गया। प्लेन में 29 लोग सवार थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने खुद चेन्नई पहुंचकर खोजी अभियान का मुआयना किया। नौसेना के निगरानी विमान P-8I से रक्षा मंत्री ने तलाशी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी कमांडरों को लापता सैनिकों के परिजनों के संपर्क में रहने के आदेश दिए हैं। मौसम खराब होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। चैलेंज मैं बोलूंगा वो है वेदर के। आप अगर देखेंगे इधर, ये आज का वेदर पिक्चर है और ये एरिया है जो सफेद एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा मल्टीलेयर्ड क्लाउडी है और इस पे कन्वेक्टिव फिनोमेना भी है, मतलब जो बारिश जिस बादल से होता है, काले बादल हम जिसको कहते हैं, तो उससे क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाता है, एरिया में जो सी का स्टेट है वो रफ हो जाता है। एयरफोर्स के अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड ने भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेवी और कोस्ट गार्ड के 18 जहाज P-81, C-130 और डॉनियर विमानों के अलावा एक सबमरीन लापता विमान की खोज में जुटे हुए हैं। वहीं इलाके में मौजूद सिविलियन जहाजों को भी अलर्ट भेज दिया गया है। The Navy and the Coast Guard both are there in full force to locate the missing aircraft that went missing sometime in the morning yesterday. So we've got ships, aircraft as well as submarine deployed there and the search is on. नौसेना अधिकारियों के मुताबिक अंडमान में तैनात नौसेना जहाजों की रूटीन मरम्मत के लिए नौसेना और वायुसेना के जवानों का दस्ता अंडमान गया था। इधर विमान के साथ लापता हुए वायुसैनिकों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बस इतना ही बात हुआ, वो बोले कि मैं चेन्नई पहुंच गया हूं और उनका कुछ पेपर वर्क था, वो कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे थे, तो उस समय फ़ोन हुआ था। चढ़ने से पहले एक बार फ़ोन किया कि मतलब ऐसा ऐसा है, हम चढ़ने जा रहा हूं करके, बस इतना ही, और ज़्यादा बात नहीं हुआ। वो बोले कि पोर्ट ब्लेयर पहुँच के फ़ोन करेंगे, उसके बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लापता सैनिकों के परिजनों से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। इधर देश के कई हिस्सों में लापता विमान में सवार लोगों की सकुशल वापसी की दुआएं की जा रही हैं। जम्मू में स्कूली बच्चों ने विमान की आकृति में बैठकर लापता सैनिकों की कुशलता की कामना की। रूस में निर्मित वायुसेना के AN-32 विमान ने चेन्नई के ताम्बरम से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 16 मिनट बाद ही ये बंगाल की खाड़ी के आसपास कहीं लापता हो गया। इस बीच खबर है कि लापता हुए विमान में पहले भी कई बार तकनीकी खराबी आ चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में पिटाई के शिकार हुए दलित परिवारों से राजनीतिक दलों के नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। कल वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग ऊना जाकर पीड़ित परिवार और अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की। वाम दलों ने गुजरात में दलितों की पिटाई की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी की आलोचना की। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गौरक्षा के नाम पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जे ये गौरक्षक के नाम पे ये जो काम हो रहा है, ये अच्छा काम नहीं है। वी ऑल वॉन्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में कितना अलग अलग किस्म के रिलीजन है, कास्ट है, लेकिन हम लोग एक साथ मिलजुल के चलना है। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है और हम लोग यहाँ सॉलिडारिटी दिखाने आया है। भारतीय जनता पार्टी की जो क्रूर नीति है दलितों के प्रति, एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। विरोध प्रकट करने के लिए अपनी जिंदगी को भी जोखिम में डालकर सेल्फ इमोलेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप पर पूरे देश को ये मैसेज देना है हमारे भाइयों के साथ और बहनों के साथ कि हम सब आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। 3 दिन पहले बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और कल बीजेपी कार्यकर्ता बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ सड़कों पर उतर आए। छोटे होगा
शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। वो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि उनकी मौजूदगी में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह के परिजनों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बहन मायावती जी से, जो बसपा की मुखिया भी हैं, उनसे मांग करती है कि श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को तत्काल विधानमंडल दल के नेता पद से बर्खास्त करें, राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटाएं और बसपा से निष्कासित करें। दयाशंकर सिंह के परिवार ने बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पोस्को एक्ट लगाने की मांग की है। उसमें मैंने FIR करवा दिया है, बट एज सच कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और एक्चुअली मैं तो ये चाहती थी, क्योंकि मेरी माइनर बेटी को इसमें घसीटा गया है, उसके लिए बोला गया है तो पास्को एक्ट लगे, जो कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हम लोगों ने लिखवाया था, लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं लिखा है। बीएसपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दे को भटकाना चाहती है। बीएसपी ने दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। ये जो अब हो रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कानून उन्होंने तोड़ा और हम लोगों से कहा जा रहा है, तो इससे ये पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार की सांठगांठ है। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून के अंदर जिन्होंने गलती की उनपे कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। अब नाम लेके कुछ भी बोलने लगते हो आप। जो तहरीर दी गई उससे FIR दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन होगा, कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और बीएसपी दोनों को निशाना बनाया है। पार्टी का कहना है कि अभद्रता दोनों तरफ से बढ़ती गई। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को नाराजगी थी तो नाराजगी व्यक्त करें, सरकार पर करें, व्यवस्था पर करें, व्यक्ति पर करें, पर उसके परिवार पर क्यों, महिला पर क्यों, उसकी माँ पे, उसकी बहन पर, उसकी बेटी पर, उसकी पत्नी के खिलाफ बोलना अनुचित है। तो मैं समझती हूँ कि दो गलतियाँ कभी एक सही बात नहीं बनाती हैं। बुधवार को दयाशंकर सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर सिंह के परिजनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल दिल्ली से बस यात्रा निकालकर प्रचार की शुरुआत की। 3 दिन की इस बस यात्रा को सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस यात्रा को 27 साल यूपी बेहाल नाम दिया गया है। इस बस के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस का कहना है कि 3 दिन की इस बस यात्रा का मकसद पिछले 27 साल में उत्तर प्रदेश की बदहाली को लेकर मतदाताओं को जागरूक करना है। कि उत्तर प्रदेश 27 सालों से पिछड़ गया, जब से कांग्रेस सरकार वहां गई है, वहां जात और धर्म की राजनीति विभिन्न पार्टियों ने, क्षेत्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उस वजह से वहां उत्तर प्रदेश का भारी नुकसान हुआ। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को 27 साल का हिसाब लेने से पहले 60 साल का हिसाब देना चाहिए। वहीं बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस यूपी में अपना वजूद खो रही है। कोई विकास उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। गरीबों की हालत खराब होती रही, किसान दुर्दशा का शिकार हुआ, गांव उजड़ गए, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं थी कांग्रेस के शासन में। अब वो हिसाब मांगते हैं। कांग्रेस बेहाल है। कांग्रेस के बारे में मुझे लगता है कि कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त है, इसका कोई वजूद नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में 600 किलोमीटर और कई जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों से अपील की है कि वो सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का फायदा उठाएं। बेंगलुरु में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि सरकार लोगों के लेन देन और कमाई पर नजर नहीं रखना चाहती, लेकिन सरकार को पता है कि किन किन क्षेत्रों में काला धन है, इसलिए लोगों को अपनी कमाई पर कर देकर किसी भी परेशानी से बचना चाहिए। So it's a scheme where you pay your principal tax and you pay some penalty.
you get immunity from prosecutions, you get immunity from all other laws, several other laws which are mentioned, and you can sleep well. वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए स्टार्टअप को अब केवल इंडस्ट्रियल पॉलिसी विभाग से प्रमाणित होना जरूरी होगा। उन्होंने ये बात स्टार्टअप इंडिया की कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी, जिसका मकसद लोगों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना है। दिल्ली में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का मकसद स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। राज्यों के अधिकारियों और उद्यमियों के इस कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि भारत स्टार्टअप शुरू करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। उन्होंने नए उद्यमियों को उनकी मुश्किलें दूर करने का भरोसा भी दिलाया। To obtain only a certificate of recognition from the DIPP and would not be required to be examined by the interministerial board, as was being done earlier. So that's one rapid change that we brought in. भारत में स्टार्टअप के जरिए शुरुआत करने वाली 72% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में सरकार की कोशिश इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने की है। हालांकि कई उद्यमी इसमें सहूलियत बढ़ाने की जरूरत बता रहे हैं। एज सच कोई इतना बदलाव नहीं आया, बिकॉज इट्स स्टिल इन द ट्रायल प्रोसेस, सो लेट अस सी कि हाउ थिंग्स गोज ऑन। नए स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तो मिला है कि हाउ टू एनरोल देमसेल्व्स अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज, सो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड थिंग टू स्टार्ट विथ। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के साथ ही लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है। सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके। इसी सिलसिले में वाणिज्य और उद्योग मंत्री उद्यमियों, इन्वेस्टर और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलेंगी, ताकि स्टार्टअप में आने वाली मुश्किलों का हल निकाला जा सके। हालांकि लाल फीताशाही के बीच लोगों तक इस योजना का लाभ पहुँचना बड़ी चुनौती होगी। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि मौजूदा दौर की तरक्की के पीछे विज्ञान एक बड़ी वजह है। शनिवार को मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान के पास वर्तमान की तकरीबन सभी चुनौतियों का जवाब है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शनिवार को मैसूरू में जेएस विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भूख, गरीबी और बीमारियां मौजूदा दौर में भी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता सिर्फ विज्ञान के पास है। The answers to humanity's greatest challenges, be it disease, hunger, environmental degradation, or energy requirements, all rest in our better understanding of sciences. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भारत को अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि देश को न सिर्फ तकनीकी संस्थानों की जरूरत है, बल्कि वैज्ञानिक सोच भी उतनी ही जरूरी है। इनोवेटिव डेवलप्ड सोसाइटी हाउएवर रिक्वायर्स सर्टेन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स। दीज इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक टेंपर, a focus on the study of the basic sciences, and three, a conducive environment where inquiry and evidence form the basis of rational choices. उपराष्ट्रपति ने देश में तर्क आधारित वैज्ञानिक और विकसित समाज के निर्माण को वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा, जब तक आम लोगों की सोच वैज्ञानिक और तार्किक नहीं होगी, तब तक विकास की कल्पना अधूरी है। गिरीश निगम, राज्यसभा टीवी, मैसूरू। बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में तबाही जारी है। असम में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के मुताबिक 14 जिलों में 5 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भी बाढ़ से हालात गंभीर हैं। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें चिरांग जिले की हैं, जहां कई गांवों में पानी भरने के बाद आर्मी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सेना लोगों के रहने से लेकर खाने पीने का भी इंतजाम देख रही है। लगातार पिछले 5-6 दिन से बारिश हो रहा है,
तो बारिश के वजह से, और भूटान का जो नदी है वो निजला नदी है, वो निजला नदी जो है मतलब उसका बांध टूट के और गांव में पानी घुस गया। चिरांग के अलावा बोंगाई गांव में भी यही हाल है। अकेले बोंगाई गांव में ही 84,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा धुबरी जिले में अगले 24 घंटे में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का आधे से ज्यादा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, जबकि ब्रह्मपुत्र और कुछ सहायक नदियां लगातार उफान पर हैं। उत्तर पूर्वी त्रिपुरा को असम के रास्ते बाकी देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 44 का भी बारिश से बुरा हाल है। गुवाहाटी में भूस्खलन से कई जगह नुकसान की खबर है। आलम यह है कि लोग घरों में जाने से भी डर रहे हैं। हमारा दिमाग में काम नहीं देता है, कैसे रहेगा हम? अरे सारे दिन से हमको भात खाना उना नहीं मिलता है, ऐसे रह गया, रात में नींद नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी लगातार बारिश से ज्यादातर इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। नामसाई जिले में नोवा देहिंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चांगलांग समेत कई दूसरे जिलों में कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तेजू, नामसाई और जीरमपुर में अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रखने को कहा है। इधर पश्चिम बंगाल में भी हालात खराब हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में लोग टेंट और प्लास्टिक शीट के नीचे पनाह लेने को मजबूर हैं। जिले के कई इलाके जलमग्न हैं, हालत बेहद खराब है और लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने कई जगह आम जनजीवन प्रभावित किया है। धारचूला में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश से कई जगहों पर मलबा गिरा, जिससे जगह जगह रोड ब्लॉक रही। कोटद्वार नजीमाबाद को जोड़ने वाला रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद रेलवे सेवा बाधित रही। अभी हम लोग सब यहाँ पर ये देखने आए हैं कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी रेस्टोर किया जा सके, क्योंकि अभी कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच का रेल संचालन बंद है। भारी बारिश ने पंजाब और हरियाणा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई है। आने वाले दिनों में पूर्वी और उत्तर भारत में कई जगह तेज बारिश की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 225 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब तक 90 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि करीब 200 लोग लापता हैं, वहीं 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तरी चीन के हुबेई प्रांत पर पड़ा है, जहां बीते एक हफ्ते में 105 लोगों की जान चली गई। इस बीच भूस्खलन की वजह से 52 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए, 7,00,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ की वजह से उफान पर पहुंची नदियां ने 12 गांवों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। अफगानिस्तान से छुड़ाई गई अपहृत भारतीय महिला जुडित डिसूजा नई दिल्ली पहुंच गई हैं। काबुल से लौटने के तुरंत बाद जुडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मोदी ने जुडित का भारत में स्वागत किया और उन्हें मुक्त कराने में सहयोग के लिए अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ आगा खान फाउंडेशन के साथ काम करने वाले जुडित का 9 जून को संदिग्ध आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। काबुल में हुए आतंकी हमले की भारत समेत तमाम देशों ने निंदा की है। काबुल में शनिवार को हुए विस्फोट में 80 लोगों की मौत हो गई, जबकि 230 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह धमाका काबुल में हजारा समुदाय की एक प्रदर्शनी कार्यक्रम को निशाना बनाकर किया गया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस आतंकी हमले को अमानवीय बताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के हमले निंदनीय हैं। तुर्की में असफल सैन्य विद्रोह के बाद सरकार की कार्रवाई जारी है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने शनिवार को कहा कि देश इस विद्रोह के बाद नए दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विद्रोह के बाद से कुल 934 स्कूल, 109 छात्रावास,
15 विश्वविद्यालय बंद किए गए हैं। तुर्की में 104 गैर सरकारी संगठन, 35 अस्पताल और 1125 धार्मिक संगठनों की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 19 कर्मचारी यूनियन भंग कर दी गई है। इन सभी पर निर्वासित के तौर पर अमेरिका में रह रहे धार्मिक गुरु फतेहउल्लाह गुलेन का समर्थन करने का आरोप है। खबर खेल जगत से, भारत को एटिंगा टेस्ट में जीत के लिए 9 विकेट की दरकार है। कल मैच के तीसरे दिन फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 21 रन बना लिए। वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अभी भी 302 रन बनाने होंगे। इससे पहले मोहम्मद शमी और उमेश यादव की कहर से वेस्टइंडीज की पहली पारी 243 रन पर सिमट गई। शमी ने 66 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 323 रन की मजबूत बढ़त हासिल करने में कामयाब रही। वहीं उमेश यादव ने 41 रन देकर 4 विकेट लिए। इन झटकों से वेस्टइंडीज आखिर तक नहीं उभर सकी। टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट ने 74 और विकेटकीपर बल्लेबाज शेन डोरिच ने नाबाद 57 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में राजेंद्र चंद्रिका 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मशहूर पेंटर सैयद हैदर रजा का शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया। 94 साल के हैदर रजा को ऑयल पेंटिंग के लिए दुनिया भर में लोगों ने जाना और सराहा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। आधुनिक कला की दुनिया के बड़े नाम सैयद हैदर रजा का दिल्ली में निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। लगभग 2 महीने से वो ICU में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के मंडला जिले में किया जाएगा। ऑयल पेंटिंग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। 1950 के दशक में वो फ्रांस चले गए थे, लेकिन भारत के साथ उनका लगाव बरकरार रहा। अपनी कोची से उन्होंने एक के बाद एक शानदार पेंटिंग्स बनाई। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा फ्रांस ने भी उन्हें पिछले साल सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। 2010 में उनकी पेंटिंग सौराष्ट्र 16.5 करोड़ में नीलाम हुई और इसके साथ ही वो भारत के सबसे महंगे कलाकार के रूप में भी स्थापित हुए। बॉलीवुड में जब भी देश प्रेम की बात की जाती है तो अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार को जरूर याद किया जाता है। देशभक्ति की फिल्मों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। आइए मनोज कुमार को याद करते हैं उनके जन्मदिन पर। प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। फिल्मों में देशभक्ति की बात हो और मनोज कुमार का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। निर्देशक लेखराज भाकरे की 1955 में बनी फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1967 में बनी देशभक्ति की फिल्म उपकार से। मनोज कुमार ने देशभक्ति की खुशबू में डूबी पूरब और पश्चिम, शोर और क्रांति जैसी कई हिट फिल्में दीं। फिल्म शहीद में उन्होंने शहीद भगत सिंह का जीवंत अभिनय कर इस किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति के जज्बे को आम लोगों तक पहुंचाया। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। यूं तो मनोज कुमार की हर फिल्म यादगार रही, मगर हरियाली और रास्ता वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बटन, उपकार, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। लग जा गले और नैन बरसे जैसे सदाबहार गीतों के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। लग जा गले के फिर
रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों में इतना ही, चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ की टिप्पणी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा कयामत तक पूरा नहीं होगा कश्मीर पाने का सपना। गृहमंत्री ने घाटी में अशांति के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। काबुल आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंक के विरोध में अफगानिस्तान के साथ भारत, आईएस के हमले में 80 की मौत। उपराष्ट्रपति का तार्किक और वैज्ञानिक समाज बनाने पर जोर, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए तकनीकी क्षमता में सुधार को बताया जरूरी, कहा विज्ञान के पास सभी चुनौतियों का जवाब। असम में बाढ़ से भारी तबाही, दो की मौत, पानी से घिरे 5 लाख लोग, राहत और बचाव में जुटी सेना। अरुणाचल में भी बिगड़े हालात। और एटिंग टेस्ट में जीत के लिए भारत को 9 विकेट की दरकार, वेस्टइंडीज को 243 रन पर ढेर कर दिया फॉलो ऑन, पहली पारी में 323 रन की बढ़त। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।